सीएम योगी ने यूपी को देश का पहला ऐसा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है जो जीरो पॉवर्टी स्टेट होगा। इसके लिए सरकार की ओर से पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। यूपी को गरीबी मुक्त करने के लिए हर ग्राम पंचायत में संपर्क होगा और उसमें आने वाले 10 से 15 अति गरीब परिवारों को चिन्हित किया जाएगा। इसके लिए ऐसे लोगों को चुना जाएगा जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर भूमिहीन परिवार हैं, जिनके पास रहने के लिए कच्चा मकान होगा, जिन परिवारों को कृषि परक आजीविका के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है, या फिर जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और उनकी आय का कोई साधन नहीं है। समझिए एक रिपोर्ट के जरिए। यूपी सरकार ने प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की पहल शुरू कर दी है, जिसकी मदद से अब उत्तर प्रदेश गरीबी मुक्त प्रदेश बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शासनादेश जारी करके सभी विभागों के लिए आदेश जारी किया, जिसमें जीरो पॉवर्टी स्टेट बनाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। प्रदेश सरकार के इस अभियान में कई मुख्य चीजों को टारगेट भी किया गया है, जिसमें हर ग्राम पंचायत के 15 से 20 गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए, ताकि वो गरीबी रेखा के ऊपर आ सके। सरकार के इस शासनादेश का यूपी सरकार के मंत्रियों और सांसदों ने प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार गांवों और जिलों को विकास से जोड़ने के लिए ODOP जैसे योजना लेकर आई है, जिससे प्रदेश में सभी को रोजगार मिल सके और सबका जीवन उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सके। भाजपा सरकार की आदत है गरीबों की सेवा करना, आम आदमी की सेवा करना, जनता की सेवा करना, और हमारा सिद्धांत है अंत्योदय, जो पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है उस तक मदद पहुंचाना, उसको विकास करना और उसको न्याय दिलाना, सुरक्षा दिलाना, सम्मान दिलाना। उसी सिद्धांत पर योगी सरकार काम कर रही है और योगी जी की जो गारंटी है, जो कहते हैं वो करते हैं, वो करते हैं। उन्होंने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया, उन्होंने विकास युक्त उत्तर प्रदेश बनाया, उत्तर प्रदेश की छवि सुधारी, सुरक्षा की गारंटी दी, और आज उत्तर प्रदेश की छवि निखर ऐसी हो गई है कि विश्व देश में नहीं पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है। तो ऐसे में अगर योगी जी ने नया संकल्प लिया है तो निश्चित रूप से योगी जी उसे पूरा करते हैं। सरकार के आदेश के बाद अब बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत में 15 से 20 सबसे गरीब परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ग्राम जीरो पर काम शुरू होने वाला है। एक वर्ष के भीतर उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त प्रदेश बनाने के लिए युद्ध स्तर पर सरकार काम करेगी। लक्ष्य बड़ा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में लाखों परिवार आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार झूठ बोल रही है। विपक्ष ने रोजगार और महिला सुरक्षा के मुद्दों से सरकार को घेरना चाहा है। देखिए, पिछले 7 साल में इन लोगों ने इतने झूठ बोले हैं कि लोग इन पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर आप गरीबी हटाना चाह रहे हैं तो आप अपना प्लान बताइए, आप कैसे करेंगे। आपने तो सरकार में आते ही कहा था कि हम इस पूरे सरकार को गड्ढा मुक्त कर देंगे 3 महीने में, बट गड्ढा मुक्त हो गया प्रदेश। आपने कहा था सब बच्चों को रोजगार दे देंगे, मिल गया रोजगार। आपने कहा था महिला सुरक्षा देंगे, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अप्लाएंगे। आए दिन इस प्रदेश में हत्याकांड हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, जघन हत्याएं हो हत्याकांड हो रहे हैं। फिर इसका मतलब आप पर भरोसा उठ चुका है। अब आप जो कह रहे हैं उसके लिए प्लान बताइए कि आप कैसे करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश की बड़ी जनसंख्या में, जहां पर आपकी इकोनॉमी आपके हाथ में ही नहीं है, कैसे करेंगे आप? तो आप जनता पर भरोसा नहीं कर रही, झूठ बोलना बंद करिए। प्लान बड़ा है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर सरकार इसको 100% सक्सेस रेट के साथ कैसे पूरा करेगी। फिलहाल सरकार के ऐलान के बाद गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों में एक उम्मीद की किरण देखी जा रही है। उनको भी उम्मीद है कि जल्द ही वह मुख्य धारा से जुड़ेंगे। हालांकि सरकार यह मान रही है कि इस तरह के रोड मैप से यूपी गरीबी मुक्त प्रदेश होगा, लेकिन यह कहना जितना आसान है करना उतना ही कठिन। देखने वाली बात होगी कि सरकार आखिर किस तरह इस लक्ष्य को पूरा करती है। एक तरफ विपक्ष उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने में लगी है, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में लगे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की पहल शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने एक शासन आदेश जारी करके सभी विभागों को आदेश जारी किया है कि जीरो प्रायोरिटी स्टेट बनाने की रूपरेखा तैयार की जाए। अब देखने वाली बात होगी इस अभियान से भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव और 2027 के चुनाव में कितना फ़ायदा होता है। कैमरामैन अभिषेक के साथ शाही सिद्दीकी, रफ्तार मीडिया, लखनऊ।